हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, डेल वॉस्ट्रो 15 3000 सीरीज का लैपटॉप है। ये देखिए, जो रिपेयर होने के लिए आया है, तो इसमें एक्चुअली में प्रॉब्लम में है कि इसमें अडाप्टर नहीं लग पा रहा है, उन्होंने जो बताया है। ये देखिए, अब अगर इसकी पिन देखेंगे तो अंदर से पूरी टूटी हुई है। ये देखिए डीसी जैक का। तो इस वीडियो में यही आपको बताएंगे कि इसका डीसी जैक कैसे रिपेयर करेंगे और कैसे चेंज करेंगे। तो पूरा वीडियो मेरे साथ देखिए। तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, जैसे अगर आपको बैटरी वगैरह चेंज करना है तो वो कैसे चेंज करेंगे, तो इसी के साथ ये भी कंप्लीट कर देंगे कि इसको पूरा डिसेंबल कैसे करेंगे और डीसी जैक कैसे चेंज करेंगे, रिपेयर करेंगे। तो बिना इसकी पिए हुए पूरा वीडियो मेरे साथ देखिए, तो आप इसको ज़रूर कर पाएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको लैपटॉप का भी कोई पार्ट चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल होता है। मैं नंबर दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी एसेसरीज होती है, लैपटॉप की बोर्ड होता है, तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो हम आपको कहीं भी कुरियर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, इसको रिपेयर करते हैं। आप देखिए कि कैसे रिपेयर होगा। तो सबसे पहले इसको हम, आपको पता ही होगा, इस बैक कवर इसका ओपन होगा तो सारे स्क्रू खोल लेंगे, बैक कवर के जितने भी स्क्रू हमें दिखेंगे। तो ये सारे स्क्रू खोल लीजिए, उसके बाद वो किसी ओपनर से बैक कवर निकालना पड़ेगा। तो देखिए, सारे स्क्रू तो हमने खोल लिया है। अब इसके बाद इसको किसी ओपनर से इसका पैनल निकालेंगे। किसी, आप ओपनर ले लीजिए, ट्वीजर से भी कर सकते हैं, ट्वीजर से यहाँ पे मार्क आ जाता है, इसलिए आप कोशिश करें कि ऐसी चीज़ कुछ लें जिससे मार्क ना आए। ये देखिए, इजीली निकल जाएगा, ये लॉक है साइड साइड में, और आगे भी थोड़ा सा बस उसको प्रेस करना है, उसके बाद आपका बैक कवर निकल जाएगा। ये देखिए, ये बैक कवर निकल गया है। अब हमें इसका डीसी जैक चेंज करना है। ये देखिए, इधर लगा हुआ है डीसी जैक। अब यहाँ आपको अगर रैम चेंज करनी है, रैम, हार्ड ड्राइव और बैटरी आप चेंज कर सकते हैं, वाईफाई कार्ड, जो भी आप चेंज करना है। यहाँ सर्विस भी कर सकते हैं, फ़ैन वगैरह की प्रॉब्लम है तो बस बैक कवर निकाल के आपका इसमें सारा काम हो जाएगा, आप खुद ही कर सकते हैं, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दिखाने के लिए। तो ये देखिए, इसका डीसी जैक है, इसको खोलने के लिए हमें सबसे पहले हिंज का स्क्रू निकालना पड़ेगा। तो इसको चलिए निकाल लेते हैं, इसको थोड़ा सा हिंज को ऊपर उठा लीजिए अपनी तरफ। ये देखिए, अभी हमारा डीसी जैक ये देखिए दिखने लगा है। ये तो यहाँ पर एक स्क्रू लगा होगा, ये डीसी जैक, ये स्क्रू है, तो इसको निकाल लेंगे तो हमारा डीसी जैक निकल जाएगा। ये देखिए, ये है डीसी जैक, और हम इसमें दूसरा डीसी जैक लगाएंगे, हमारे पास अवेलेबल है। ये देखिए, नया डीसी जैक है, तो इसको चलिए लगाते हैं। हल्का सा तो डिफरेंट है, देखते हैं लगता है या नहीं लगता है। ये देखिए, दोनों में हल्का सा डिफरेंट है। देखिए लग गया, ये थोड़ा सा बड़ा भी है, ये जैक का स्क्रू भी लगा देंगे। अगर जैक का स्क्रू नहीं लगाएंगे तो ये लूज़ रहेगा, फिर आप जब एडाप्टर लगाएंगे तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, तो इसलिए स्क्रू भूलना नहीं है। ये देखिए, ऐसा लग गया। अब हम हिंज के सारे पेज लगा देंगे,
इंजन प्रॉपर टाइट हो जाए। ये देखिए ये डीसी जैक लग गया है, हल्का सा डिफरेंट है लेकिन ये चल जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। इसमें अब हमें और कुछ नहीं करना था, डीसी जैक की ही प्रॉब्लम थी, तो ये हमने नया डीसी जैक लगा दिया है। अब इसको पैक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके लिए इसी तरह की लाते रहते हैं। तो इसको अब हम सारे स्क्रू लगा लेंगे, उसके बाद आप फिर चेक कर लेंगे। और इस लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैंने बैटरी पर लगाकर चेक कर लिया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, कुछ इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।